हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ईसीजी सीपीओ एग्जाम एनालिसिस, कंप्यूटर के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए एग्जाम में। 29 मई को जो आपका एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, यहाँ पर लेवल कैसा रहा कंप्यूटर का। इवन IBPS RRB PO क्लर्क का जो लेवल होता है वो काफी हार्ड होता है, लेकिन ईसीजी सीपीओ का जो लेवल यहां पर देखा गया वो बिट इजी टू मॉडरेट था। कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप IBPS RRB PO क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए ड्रीम बैच 2.0 से कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, ये गारंटी। क्यों? क्योंकि इस बैच की जो खास बात है वो आप देखिएगा, बेस्ट 55 वीडियो क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, PDF नोट्स यहाँ पर हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद 6 मंथ्स वैलिडिटी के साथ। जैसे ही आप इस बैच से एनरोल करते हैं आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अब फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कंप्यूटर में होगा ही होगा, क्योंकि इतने बेहतरीन तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि ऐसा हो नहीं सकता कि पेपर का लेवल कितना भी टफ हो लेकिन आप 100% स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। कैसे आप इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं एक बार बात कर लेते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ड्रीम बैच 2.0 का ये जो बैच है ये आपको वहां पर दिख जाएगा, एनरोल कर लीजिएगा। वीडियोस और PDF अनलॉक मोड में आपके पास में अवेलेबल होंगे। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, हैव अ लुक, और जानते हैं कि आज के सेशन में ईसीजी सीपीयू में जो बेस्ट क्वेश्चंस रहे एग्जाम में वो कौन से रहे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नेटवर्क दैट स्पैन अक्रॉस कॉन्टिनेंट कंट्रीज इज कॉल्ड। बताइएगा वो नेटवर्क जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करता है, जोड़ता है या फैला हुआ है, ये नेटवर्क कौन सा है। लैन है, मैन, वैन, पैन, कैन, कौन सा ये नेटवर्क है। बिल्कुल सही, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन इज द करेक्ट आंसर। हम लोग जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, विद इन अ एक बिल्डिंग के अंदर, विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस जो नेटवर्क है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विद इन अ सिटी है, एक सिटी के अंदर जो काम करता है। और वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिएगा, हेडर एंड फुटर इन विच टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो हेडर और फुटर को ऐड करने का ऑप्शन होता है वो किस टैब में गिवन होता है। तो यहां पर आपको उस टैब का नाम बताना है, और आप लोग जानते हैं कि इंसर्ट टैब के अंदर हेडर और फुटर का ऑप्शन होता है, तो करेक्ट आंसर होगा इंसर्ट। यहां पर आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं, जैसे ही हमने इंसर्ट पर क्लिक किया आपके सामने कई सारे ऑप्शंस डिस्प्ले हुए जिसमें हेडर और फुटर का भी एक ऑप्शन गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड एक्सटेंशन 2013 इज। MS वर्ड 2013 का एक्सटेंशन क्या होता है। हम लोग जानते हैं 2007 से लेकर 2021 तक जितने भी वर्जन हैं या आगे आने वाले जो वर्जन होंगे उनका एक्सटेंशन .docx है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या था, .docx। सेकेंड जनरेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इमेज एक्सटेंशन, कई सारे ऑप्शंस आपको गिवन थे और आपको बताना था कि इन ऑप्शन में से इमेज का एक्सटेंशन कौन सा होता है। तो यहां पर जो सही आंसर था वो क्या था, .bmp, यानी बिटमैप इमेज फाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ इमेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इमेज एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, तो चलिए एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं कि इमेज से रिलेटेड जो फेमस एक्सटेंशंस हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका GIF इमेज, जिसकी फुल फॉर्म है
ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बीएमपी बिट मैप फाइल और टिफ टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, दीज आर दी मोस्ट फेमस इमेज एक्सटेंशंस। नेक्स्ट गाइस, हु सिक्योर योर डिवाइस फ्रॉम वल्नरेबिलिटी, आपकी डिवाइस को हैकर से या हैक होने से कौन बचाता है? हु सिक्योर योर डिवाइस फ्रॉम वल्नरेबिलिटी। करेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं, एंटीवायरस की मदद से हम लोग अपने डिवाइस को हैक से या वायरस से या मेलवेयर से बचा सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एंटीवायरस। नेक्स्ट, विच डिवाइस कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी इंटू हार्ड कॉपी, कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है? वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू ऑल नो वेरी वेल द करेक्ट आंसर इज प्रिंटर, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन आईफोन, आईफोन में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही एंड आंसर इज आईओएस। आईफोन जो कि एक मोबाइल फोन, एक स्मार्टफोन के तरीके से यूज होता है, पर आईफोन जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईओएस है। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय एप्पल डेस्कटॉप, अब एप्पल के डेस्कटॉप में या पीसीज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो कौन सा है? बिल्कुल सही, वेरी गुड एंड द करेक्ट आंसर इज मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है ये भी याद रखिएगा एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है मॉन्टेरी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन क्या है? मॉन्टेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉप स्लाइड शो इन पीपीटी, पीपीटी में स्लाइड शो को एंड करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो कौन सी है? एंड द करेक्ट आंसर इज एस्केप। जैसे ही एस्केप दबाते हैं जो पावर पॉइंट शो होता है, जो स्लाइड शो होता है वो एंड हो जाता है। नेक्स्ट वन, व्हेन यू लेफ्ट समथिंग टाइपिंग इन एमएस आउटलुक, कह रहा है एमएस आउटलुक में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई मेल टाइप कर रहे हैं और मेल टाइप करते करते आपने छोड़ दिया, तो वो जो मेल है वो कहाँ पर सेव हो जाता है? और आंसर हम लोग जानते हैं कि मेल को जब हम छोड़ देते हैं टाइप करना या स्टॉप कर देते हैं और सेंड नहीं करते, तो इस केस में वो मेल ड्राफ्ट में जाकर सेव होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ड्राफ्ट। नेक्स्ट, विच रोम कैन बी रिटन ओनली वंस, ऐसी कौन सी रीड ओनली मेमोरी है जिसमें सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक ऐसी रोम है जिसमें सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। नेक्स्ट गाइस, सेंडिंग स्पैम ओवर द ईमेल, ईमेल पर स्पैम को भेजना ये क्या कहलाता है, किस तरीके के अटैक में आता है? बताइए, सेंडिंग स्पैम ओवर द ईमेल इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। हम लोग जानते हैं कि बैंक में ज्यादातर जो अटैक होता है उसे फिशिंग अटैक ही बोलते हैं, जहां पर वेबसाइट को क्लोन कर लिया जाता है या ईमेल पर स्पैम किया जाता है, दिस इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0101 इज, 0101 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जीरो की जगह पर वन, वन की जगह पर जीरो कर देते हैं, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में वन को प्लस कर देते हैं, दैट्स इट। तो चलिए एक बार देखते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 0101 का, तो जीरो की जगह पर वन और वन की जगह पर जीरो, तो ये मिल गया हमें 1010। फिर टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वन को ऐड कर देंगे, तो 1010 में अगर वन को ऐड करेंगे तो जीरो और वन क्या होता है, वन होता है। फिर वन और जीरो वन, जीरो और जीरो जीरो, वन और जीरो वन। सो दी करेक्ट आंसर इज 1011। समझ में आया? एक बार फिर से, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे,
जहां पर जीरो की जगह पर वन और वन की जगह पर जीरो रख देंगे, और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आए उसमें वन को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉट एक्सएलएस इज एन एक्सटेंशन फॉर विच फाइल? डॉट एक्सएलएस किस फाइल का एक्सटेंशन है? एंड द करेक्ट आंसर इज एमएस एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। नेक्स्ट वन, डॉट डब्ल्यू ए वी इज यूज इन विच फाइल फॉर्मेट? डॉट ए डब्ल्यू ए वी ये किसी फाइल का एक्सटेंशन है, ये किस फाइल का एक्सटेंशन है आपको बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑडियो फाइल। तो जितनी भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट होती हैं उनका एक्सटेंशन डॉट डब्ल्यू ए वी के फॉर्म में हो सकता है। डब्ल्यू ए वी की फुल फॉर्म क्या है ये भी जानिए। एंड द करेक्ट आंसर इज वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो डब्ल्यू ए वी का मतलब क्या है? वेव फॉर्म। और ये कैसी फाइल है? ऑडियो फाइल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी फुल फॉर्म डॉट वेव फॉर्म, यानी वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैश इज अ टाइप ऑफ विच मेमोरी? कैश मेमोरी कैसी मेमोरी है? टेम्परेरी है, परमानेंट है, कैसी है? तो हम लोग जानते हैं कि कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी है, तो इसका मतलब ये टेम्परेरी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर फास्टेस्ट होगी तो वो टेम्परेरी होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल कहें या टेम्परेरी कहें बात एक ही है। जैसे रैम आपकी वोलाटाइल है, वैसे ही आपकी कैश मेमोरी भी या रजिस्टर भी वोलाटाइल मेमोरी ही है। नेक्स्ट, विच वायरस रेप्लीकेट इटसेल्फ? ऐसा कौन सा वायरस है जो रेप्लीकेट करता है इटसेल्फ? तो कभी भी इटसेल्फ अगर क्वेश्चन में होगा तो आंसर क्या होगा? वॉर्म होगा। राइट वंस रीड मैनी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आप लोग ने आंसर लगाया। कंट्रोल प्लस दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर? कंट्रोल के साथ में क्लोजिंग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये तो ऑप्शन बेस्ड होगा, जहां पर करेक्ट ऑप्शन गिवन था गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम आपका क्या है? ब्राउजर है, हम लोग जानते हैं, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? एंड्रॉइड है। पोर्ट विच इज कनेक्टेड एक्सटर्नली? तो पोर्ट से भी क्वेश्चन देखा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इंटरनली भी पूछा गया एक शिफ्ट में, और एक्सटर्नली भी पूछा गया। तो एक्सटर्नली के केस में जो आंसर होगा वो प्रिंटर होगा। बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं जो एक्सटर्नल पोर्ट से कनेक्ट होती हैं। अब हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि इंटरनल पोर्ट और एक्सटर्नल पोर्ट में डिफरेंस क्या है। तो जरा एक बार देखिएगा, इंटरनल पोर्ट्स कनेक्ट्स मदरबोर्ड विद, जब भी आप पोर्ट से कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो वो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती है। इंटरनल पोर्ट की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि इंटरनली आपके कंप्यूटर में लगी होती है, तो वो इंटरनल पोर्ट से कनेक्टेड होती है, जैसे साटा केबल और पाटा केबल की मदद से, है ना। हार्ड डिस्क इंटरनली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है, जो इंटरनल वाली हार्ड डिस्क होती है। लेकिन जो एक्सटर्नल वाली हार्ड डिस्क है वो एक्सटर्नल पोर्ट में आएगी, है ना। तो वहां पर ये साफ मेंशन होगा कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात हो रही है तो एक्सटर्नल पोर्ट, इंटरनल हार्ड डिस्क की बात हो रही है तो हार्ड डिस्क ड्राइव मेंशन होगा। सीडी ड्राइव ये भी आपके इंटरनल पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है, या इंटरनल मॉडेम जो होते हैं, इंटरनल मॉडेम ये भी आपके इंटरनल पोर्ट से ही कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल पोर्ट के केस में बात करें तो आंसर होगा एक्सटर्नल मॉडेम, माउस, प्रिंटर या फ्लैश ड्राइव या फ्लैश मेमोरी, जैसे पेन ड्राइव, जैसे मेमोरी कार्ड, है ना। ये सब आपकी फ्लैश मेमोरीज होती हैं, फ्लैश ड्राइव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेम दी एंटीवायरस, यानी कुछ ऑप्शंस गिवेन थे और आपसे पूछा गया था कि इसमें से कौन सा एंटीवायरस है या कौन सा एंटीवायरस नहीं है ना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको सभी एंटीवायरस के अगर नाम पता होंगे तो आप बता पाएंगे कि ये एंटीवायरस है
यह एंटीवायरस नहीं है। सुदीप, आपको यहाँ पर सारे नाम दे दिए गए हैं, तो इन नाम्स को जरूर याद रखिएगा आगे आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्टन, एवास्ट, एवीरा, मैकेफी, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, कैस्पर स्काई, बिट डिफेंडर, ट्रेंड, मेलवेयर बाइट्स, एवीजी और सोफोस। वैसे तो बहुत सारे एंटीवायरस हैं, लेकिन जो मोस्ट फेमस 11 एंटीवायरस के नाम हैं वो आपके सामने दिए गए हैं, और एग्जाम में इन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ एमएस ऑफिस। कह रहा है कुछ प्रोडक्ट के नाम गिवन थे ऑप्शन में, और पूछा गया था इनमें से एमएस ऑफिस का कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। तो अगेन, अगर आपको ये पता होगा कि एमएस ऑफिस के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप ऑड वाला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही जान लेते हैं कि एमएस ऑफिस में क्या क्या आता है। तो एमएस ऑफिस के जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वन नोट है, आउटलुक है, पब्लिशर, एक्सेस, स्काइप फॉर बिजनेस, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इवन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये आपके एमएस ऑफिस के टोटल क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट होते हैं ये भी आप कह सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा अगर कोई भी नाम वहां पर दिख रहा होगा तो वो आपका इनवैलिड आंसर में काउंट होगा। समझ में आ गया यहां तक। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था पैच के रिगार्डिंग। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पैच क्या होता है। पैच सॉफ्टवेयर टॉपिक से इंक्लूड होता है। सॉफ्टवेयर पैच का मतलब ये होता है कि कई बार आप लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, और इंस्टॉल करने के दौरान कुछ एरर आ जाती होगी, या सॉफ्टवेयर चलाते समय कई बार आपको बग्स मिलते होंगे। उन बग्स को रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर कई बार अपडेट देता है आपको। उन अपडेट्स को क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। तो यानी जो सॉफ्टवेयर में कमी है, जो सॉफ्टवेयर में लूपहोल्स हैं, उनको कवर अप करने के लिए जो अपडेट दिए जाते हैं, उनको एक तरीके से पैचेस के नाम से ट्रीट करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, है ना। दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट्स। तो देखिएगा क्या है, अ सॉफ्टवेयर पैच और फिक्स, इसको फिक्स भी बोला जाता है, इज अ क्विक रिपेयर जॉब, जिसे क्विक रिपेयर हो जाता है वो सॉफ्टवेयर, फॉर अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग डिजाइन टू रिजॉल्व फंक्शनैलिटी इश्यूज। यानी उस सॉफ्टवेयर में जो भी फंक्शनैलिटी इश्यूज थे, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, उसके लिए जो फिक्स और पैच दिया गया, है ना, दिस इज दैट वी कॉल्ड इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड एड न्यू फीचर्स। यानी पैच की मदद से सिक्योरिटी तो इम्प्रूव हुई उस सॉफ्टवेयर की, और उसमें नए फीचर्स को भी एड ऑन किया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पैच। समझ में आ गया। देखिए, ये वो क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट के फीडबैक में यहाँ पर रखे गए। अब और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आपको याद आ रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासेस में, मॉक टेस्ट में, उन क्वेश्चंस को या उस तरीके के क्वेश्चंस को हम जरूर एड ऑन करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो क्रेडिट जाता है, या एनालिसिस का जो क्रेडिट जाता है, वो आप ही लोग को ही जाता है, क्योंकि आप लोग इतने शानदार तरीके से क्वेश्चंस को याद रख पाते हैं, ऑप्शंस को याद रख पाते हैं, और अपने टीचर के साथ में शेयर करते हैं, है ना। तभी तो कहते हैं योर सक्सेस इज आर सक्सेस, है ना, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, और इवन अपना फीडबैक भी देते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया वो कंप्लीट आया। तो एक टीचर को और क्या चाहिए, अपने स्टूडेंट से बहुत सारा प्यार और फेथ, और उसके बदले में टीचर आपको देता है वो जो आप लोग डिमांड करते हैं, यानी एग्जाम में आने की 100% गारंटी के साथ क्वेश्चंस। और अगर आईबीपीएस आर आरबीपीओ क्लर्क में भी आप जुड़ना चाहते हैं और कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो ये बैच आप ही लोग के लिए डिजाइन किया गया है, बेस्ट 55 वीडियो क्लासेस के साथ। एग्जाम के टाइम पर एक बार क्विक रिवीजन भी लास्ट में यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन विश्वास मानिए इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। तो बहुत अच्छे से ट्रस्ट करके इन पीडीएफ को रिवाइज करिए, वीडियोस को देखिए, और दूसरी किसी वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये
या ये मेरी शर्त आप कह लीजिए कि अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको किसी दूसरी बुक या किसी दूसरी वीडियो से मत जुड़िए, क्योंकि अपने टाइम को सेव करिए, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बैच से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। राइट, तो सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड।